नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम साइंस 2 का पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, विज्ञान भाग 2। पेपर बहुत इजी था अगर हम विज्ञान 1 से तुलना करें, कंपेयर करें विज्ञान 1 से साइंस 1 से। तो आज बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखकर दिल को बहुत संतुष्टि हो रही थी। अब बचे हुए हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पेपर ऐसे ही जाए, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए पेपर का डिस्कशन चालू कर देते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, इसमें प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो ये न्यूक्लियर फिजन है, या बहुत लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट का लिख के आया है तो भी चल जाएगा। केंद्रीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, पूरा 1 मार्क्स आपको मिलेगा, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रणव एंड प्रणीत आर ट्विन्स इन ईयर्स, दे बिलोंग टू डैश टाइप। अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्रणव और प्रीति एक मेल है एक फीमेल है, तो ये एक स्त्री और एक पुरुष है, इसके लिए यहाँ पे डायजायगोटिक आएगा, दो युग्म जुड़वा। ठीक, 1 मार्क्स इसके बन गए। देयर इज अ ऑयल लेयर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ रिवर इन योर एरिया, व्हाट विल यू डू? मीन्स पानी की सतह पे तेल है तो आप इसका क्या कर? तो हम फाइटो रेमिडिएशन करेंगे। तो फाइटो रेमिडिएशन करते होता है जिसमें हम वनस्पति या किसी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे, जीवाणु का इस्तेमाल करेंगे, और उस तेल की सतह पे जो है उसके लेयर को निकालने के लिए। और उसके लिए 2 उदाहरण आपको देने थे, ऑल्केनोवेरक्स बॉर्किरोमेनिसिस और स्यूडोमोनास, जो हाइड्रोकार्बनोक्लास्टिक बैक्टीरिया हैं, SCB हैं। इसके लिए 1 मार्क्स, आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने इसमें लिखा है तो, मतलब आधा मार्क्स एग्जाम्पल के लिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये एडिक्शन था, व्यसनाधीनता। नेक्स्ट, फाइंड आउट द कोरिलेशन, वाइट रेवोल्यूशन में डेयरी प्रोडक्शन के उत्पादन बढ़ गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में, हरित क्रांति में फार्म प्रोडक्शन, कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई थी। इसके लिए 1 मार्क आपको मिलेगा। बहुत से लोग ने मच्छी का लिख के आया है, लेकिन वो मच्छी का तो ब्लू रेवोल्यूशन में आना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमैटिक एंड स्टेम ग्रोथ अंडरगोस, इसका 1-1 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका आंसर है माइटोसिस, काट के आंसर लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट नेक्स्ट, माइटोसिस फॉर बी आंसर है इसका, सेकंड वाले का डी आंसर है, बी आंसर है स्नेक, और फिफ्थ वाले का बी आंसर है पेरीपेटस, बी आंसर है पेरीपेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एनी 5, तो इसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो संयोजन कड़ी, जीवाश्म विज्ञान का प्रमाण पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, भ्रूण विज्ञान का प्रमाण एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स अवशेषांग कड़ी, कनेक्टिंग लंग्स लिंक्स। नेक्स्ट, ड्रॉ निगेट नेबर स्ट्रक्चर एंड लेवल द क्लोज, एक्स नहीं बनाना था मैंने, तो ऐसे रैंडमली बनाया है। तो सेंट्रोमियर, बीच वाले को सेंट्रोम कहते हैं, ऊपर वाले को पी आर्म कहते हैं, बाकी लोग ने क्यू आर्म DNA बना के आया, अननेसेसरी थिंग्स। और मार्क्स नहीं कटेंगे, घबराइएगा मत, ठीक है, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के फायदे क्या? तो ये है कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली है, प्रदूषण नहीं होता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी। अगर आप लिख सकते, मतलब आइए, आपका स्वमत बोलते हैं ना हम हिंदी मराठी में, तो पढ़ते हैं स्वमत, या ओपिनियन इंग्लिश में बोलते हैं, वही है। आपका आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता, आपका आंसर अच्छा या बुरा हो सकता है, मीन्स कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स हो सकता है। एनिमल क्लासिफिकेशन के, हम प्राणी का वर्गीकरण क्यों करते हैं? अरे भैया, वर्गीकरण करेंगे तो उनको समझना, उनको पढ़ना आसान हो जाता है। नए कोई प्राणी की अगर खोज होती है तो उसको किस में क्लासिफाई किया जाए, इसकी भी जानकारी हम इसकी इस इसमें भी हमको सहाय होती है, और बहुत से फ़ायदे ऐसे आपको लिखने थे। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का मकसद क्या होता है कि जान माल का कम से कम नुकसान हो, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कम से कम हो, लोगों को फिर रिहैबिलिटेशन कराए, पुनर्वासन करने के में जल्द से जल्द मदद, जल्द से जल्द उसे कराया जाए, वगैरह सब। नेक्स्ट, साइंटिफिक है, माइक्रोबल एंजाइम्स केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अरे भैया, वो वेजल्स को या आपके उपकरण को ख़राब नहीं करते हैं, और प्रोसेस को फटाफट कर डाल देते हैं, अब पैसे का खर्चा कम आता है। तो ये सब आपको आंसर में लिखना था। आगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर तक, 5 था, 3-3 मार्क्स के थे। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? DNA RNA से सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन, इसी को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसलेशन? DNA mRNA सिंथेसिस करता है, लेकिन वो उल्टा कोड में करता है ना, तो इसी के ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो कोड करता है, कोडिंग करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन? ये 3-3 न्यूक्लियोटाइड के कोड, 3 अमीनो एसिड्स के 3-3 जो कोड होते हैं, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं इसको। फिर ये तो कार्बोस पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल, पायरुविक एसिड, एसिटल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल
यहाँ पे बच्चों पबजी। चलिए तो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अभी तो आपको सही लगता होगा जो पबजी का शौकीन है, ठीक है, रॉन्ग है। अभी उसको थोड़ा कर देना था अपनी भाषा में कि क्यों मैं नहीं तो पेपर में तो आपको जस्टिफाई करना था। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग, निकोटीन वगैरह होता है वो सब आप लिख सकते थे। फिर ओलंपियन स्टेट, व्हाट कैन बी द आउटकम, एक्सीडेंट हो जाएगा, इंजरी हो सकती है वगैरह। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक बंदे ने तभी इतना निश्चिंत है। किडिंग जस्ट। हाँ नेक्स्ट आगे। व्हाट एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसका रिसोर्स क्या है, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक। और इसमें से कौन सा ज़्यादा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण स्नेही है, तो पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस। यहाँ पे लोगों को थोड़ा दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे देखिए मार्क्स, ये को आधा आधा मार्क्स था, तीन तीन मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन में आधा आधा मार्क्स है। मेमोरी ग्लैंड है तो इसको मेमालिया बोलते हैं, स्तनधारी, और इसका उदाहरण चमगादड़, मतलब मेमालिया लिखने का आधा मार्क, चमगादड़ लिखने का आधा मार्क। वी एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते थे उस कैटेगरी के। वी फॉर्म द हाइस्ट नंबर, तो चिटिन से समझ में आता है, अर्थ्रोपोडा संधिपाद है, और तिलचट्टा कॉकरोच। आई लिव इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एस्ट्रल मिंथिस, स्यूडोकोलोमेट मतलब स्यूडोकोलोमेट नकली देह हुआ, तो एस्ट्रल मिंथिस नकली देह था। कौन सा है, तो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, भूस्थिर भूमिकरण पद्धति। इस प्रोसेस को शॉर्ट में क्या लिखना था कि इसमें वो कचरा डालते हैं जो सड़ने वाला कचरा होता है, फिर इसमें से जो बाद में बचता है स्लरी, वो एक अच्छे का अच्छी तरह का कंपोस्ट होता है जिसे खेत में डालने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया कि ऐसे जीन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम मतलब जेनेटिक वेरिएशंस लाते हैं ताकि इंसान का भला हो सके, ठीक है, इंसान का भला हो सके, ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट एक्सप्लेन टू कमर्शियल एप्लीकेशन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्लोनिंग, थेरापेटिकल क्लोनिंग, उसमें क्लोनिंग के दो प्रकार पड़े थे ना, थेरापेटिकल क्लोनिंग वाला, और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इसमें इस्तेमाल हो सकता है, फिर मैं बहुत सारा चीज़ है इसमें, आप दो लिखना था। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल स्टेटमेंट, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 का वन का वन ही वन और ए भी सेकंड अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पानी बचाओ, इसमें सेव फ्यूल, ईंधन बचाओ, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व, सो मत अपना ओपिनियन लिखना था। जेंडर डिटर्म मेल पार्टनर ऑफ कपल, उनसे ही एक्स वाई आता है ना। नेक्स्ट प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन का, फीमेल 40 था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर हर मोदी। चलिए यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ गया। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन आवर फंगल कॉलोनीज फॉर्म, इस स्पोरेंजियम फटता है यानी बीजाणु फटता है, फटने से उसमें से बीजाणु निकलता है और आगे चल के मॉइस्ट एटमोसफेयर में जर्मिनेट हो जाके इनका प्रजनन होता है। और एक कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बहुकोशीय प्राणी में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने अपना समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में जो खासकर नवी में हैं उनके समय में जब उन्हें अगले बार बोर्ड एग्जाम देना होगा तो प्रीवियस ईयर का पेपर रेफर करने में उन्हें बहुत आसानी होगी। और आप लोग को कुछ तकलीफ़ है तो आप उसे कमेंट कीजिए, समय मिलने पे मैं ज़रूर उसे रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही जुड़ी रहिए चैनल के साथ, आपने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।